इस्लामाबाद से इस वक्त मानसेरा क्रॉस कर लिए और अब हम जी हाँ, तो अब होगा हमारा कांची एक्सप्लोर और ये नया व्लॉग जो हम बना रहे हैं वो इस्लामाबाद से हम जा रहे हैं चिल्लास। क्या होता है रास्ते में, क्या क्या व्यू मिलते हैं सब आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलें एक्सप्लोर करते हैं। अरे एक ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गई आप लोगों को कि ये जो खूबसूरत सा सफ़र मैंने स्टार्ट किया है ये BOP ट्रैवल एंड टूर के साथ स्टार्ट किया है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो बस वीडियो में बने रहिए। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं इस्लामाबाद से इस वक्त मानसेरा और इस्लामाबाद से निकलते हुए हमने आपको दिखाया था टर्मिनल वहाँ का जो बहुत ही खूबसूरत लगा था। इसी तरह रास्ते में जो जो खूबसूरती आती रहेगी आपको दिखाते भी रहेंगे। और इस वक्त हमारे सिर्फ 10 मिनट का जो स्टे है वो भी चाय पीने के लिए पठानकोट होटल की। और आप देखें कंडीशन देखें कप की, थोड़ा सा दिल नहीं चाह रहा पीने का लेकिन पीना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। इस्लामाबाद में इतनी नहीं थी जितनी मानसेरा में आकर महसूस हो रही है, यहाँ पर ठंड है। तो साथ बने रहिएगा, जो जो रास्ते में खूबसूरतियाँ आएंगी, जो व्यू आएगा आपको दिखाएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्मिनल जो कि चाइना की मदद से बनाया गया है, निहायत ही खूबसूरत। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बहुत ही शॉर्ट करके क्योंकि पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। अच्छा ये हमारे गाइड हैं, तो बताइएगा असद भाई कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। जी, आज हम इस्लामाबाद से हजारा मोटरवे होते हुए अभी हमने एबटाबाद मानसेरा क्रॉस कर लिए और अब हम पहुंचने वाले हैं थाकोट के मुकाम। थाकोट पहुंच गए हम। थाकोट से होते हुए हम शराय रेशम कराकरम गेट कन्वर्ट हो जाएंगे हजारा एक्सप्रेस वे से और ये साइड सीन करते हुए हम शाम दासपुर से होते हुए हम पहुँचेंगे। नाइट स्टे हमारा होगा चिल्लास। ट्रैवल कंपनी का क्या नाम है आपके? BOP ट्रैवल जो है BOP ट्रैवल प्रेजेंट कर रहे हैं। जी हाँ व्यूअर्स, यहाँ से शुरू करके एच यानी कराकरम हाईवे स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। जी हाँ, हमने छोड़ दिया हजारा एक्सप्रेस ख़त्म करके अब हम KKH पे रवाना हो चुके हैं। और आप देखिए कितना खूबसूरत ये जो है शराय कराकरम बना हुआ है कि मज़ा आ जाता है इस रूट पे सफ़र करने का। सुना तो यही है। जी हाँ, तो वो जैसे कि आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत जो है मनाजिर है अल्लाह की कुदरत के। ये हमारी लेफ्ट साइड पे जो है ना इंडस रिवर स्टार्ट हो गया है। जी इस टाइम जो है ना हम जिला शांगला में आ गए KPK में और दंदाई के मुकाम पे। यहाँ पे जो खासियत है इस इलाके में आपने देखा होगा कि पीछे वेलवेट जो है, वेलवेट जो लेडीज की शॉल्स होती हैं या बेडशीट्स होती हैं वो यहाँ की बहुत फेमस है। कम रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। और अभी हमारा जो अगला वो होगा पॉइंट वो बिशाम होगा। बिशाम में हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह कोहिस्तान से होते हुए दासू, हाँ वो चीजें हम कवर करते हुए दियामीर भाषा जो डैम बन रहा है आपका पाकिस्तान का, बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा एरिया है उसका, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तकरीबन वो आपको मैं रास्ते में दिखाऊंगा, वो इसी रास्ते में पड़ेगा। 2028-29 तक वो कंप्लीट होगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे 24 घंटे जो है वर्किंग हो रही है। जी हाँ, तो इस पर हम पहुंचे हैं रमादा होटल जो है बिशाम में है और ये मेन बिशाम कहलाता है। और यहाँ हमारे स्टे है तकरीबन 15 मिनट स्टे करेंगे, चाय वाय पियेंगे, कुछ खाना हो तो वो कुछ खाएंगे, उसके बाद हम करेंगे आगे का सफर। और आगे का सफर जब होगा तो आपसे शेयर करेंगे। और सांस फूला बहुत ज़्यादा मेरा क्योंकि हमने कहा चलो ये व्यू देखने के लिए ऊपर आते हैं रमादा होटल के, तो हम ऊपर आ चुके लेकिन आते आते सांस फूलने लगी। और ये देखें आप,
कितना खूबसूरत रिवर बह रहा है यहाँ पे। ये है मेन बिशाम, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलें भाई कुछ खाने पीने। हाँ जी कुछ खा लेते हैं, थोड़ी चाय पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी ले आते हैं और फिर आगे सफर करते हैं। तो लेट्स गो, लेट्स गो। यहाँ तो आप देखें कितना खूबसूरत मंजर जो हम अभी देख रहे थे ऊपर से, और वो अगर करीब से आगे रहें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत रिवर बह रहा है। लेकिन ये थोड़ा होने का बच्चों के लिए डेंजर है, लेकिन बहुत खूबसूरत बड़े बड़े पत्थर और बह वहाँ से वो बोरी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कोहिस्तान का सबसे मशहूर मेन बाज़ार है, यहाँ आपको हर चीज़ बआसानी मिल जाती है। अच्छा हमारे गाइड ने यहाँ पर एक बहुत यूनिक सी बात बताई जो मैं सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूं, कि कोहिस्तान में बड़ा अजीब सा रिवाज है कि वहाँ पर ख़वातीन को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। मतलब पूरे कोहिस्तान में आपको मर्द और बच्चे नज़र आएंगे, लेकिन एक भी खातून आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगी। तो जो आप देख रहे हैं ये है चश्मा, कुदरती चश्मा, इसका पानी बहुत ठंडा है। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं सुमर नाले पे, मतलब चिलास जाते हुए ये रास्ते में पड़ता है। और ये आप देखें ये सारे चश्मा बह रहे हैं और ये पानी जो है कुदरती पानी है, और इतना ठंडा पानी है कि बस। हमारे गाइड ने हमें बता दिया था कि इस्लामाबाद से चिलास का सफ़र तकरीबन 14 घंटे का है, लेकिन हमने सोचा था कि यूँ गुजर जाएगा। लेकिन जब रात होने शुरू हुई और यहाँ रात बहुत जल्दी हो जाती है, तो उसके बाद सफ़र काटना तो बहुत मुश्किल हो गया था। बिलाखिर 14 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हम चिलास पहुँच गए और फिर हमें सुकून मिला, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक सफ़र था ये। जी हाँ, तो व्यूअर्स हम आ चुके हैं चिल्लास और ये हमारे गेस्ट हाउस का रूम है। आए देखते हैं, ये है रूम, डबल बेड दिए हैं बच्चों के लिए भी। साफ सुथरा अच्छा है, गुजारा हो सकता है आज की रात के लिए। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए और ये सैलेड सबसे पहले आ चुकी है जो हम पहले खाएंगे सैलेड। कैसा रहा सफर आपका? बहुत अच्छा, बहुत बुरा। क्यों? ना पूछो, मजा नहीं आया। इस रास्ते से दोबारा कभी नहीं आना।